कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे राहुल चिम्बाल का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित्र हृदेश सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं नैनीताल जिले की कमान मिलने के बाद राहुल चिम्बाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया और राज्य सरकार के खिलाफ जन आंदोलनों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और रुके हुए विकास कार्यों के लिए कांग्रेस अब सड़कों पर उतरेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अधिकारियों के बेलगाम होने के आरोप लगाए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस बूथ नमन का कार्यक्रम चलाने जा रही है, जिससे नेता बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनमें जोश बढ़ाने के काम करेंगे। साथ ही राज्य में बेरोजगार युवाओं और उनके अभिभावकों से हस्ताक्षर कराकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सियासी पारी और कांग्रेस के लिए बड़ी समर्पण भाव से उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक दिशा और दशा हमेशा रखी है। तो राहुल चिम्बाल जी एक बड़े अच्छे पात्र हैं जिनको एक अहम जिम्मेदारी मिली है। नैनीताल जिला बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी और गोविंद बल्लभ पंत जी के जमाने से ये जिला कांग्रेस का एक मुख्य जिला रहा है इस देश में। देखिए, हमेशा कांग्रेस हमेशा संघर्ष से ही आगे बढ़ी हुई है और निश्चित रूप से हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे सभी विधायकों के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मुझे जिला अध्यक्ष की मिली है। और निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ताओं को विश्वास देना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी का मैं निर्वहन बहुत ईमानदारी से करूँगा। कार्य है, बेलगाम है। जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारे अधिकारी हमारा फोन रिसीव नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो आखिरकार सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार क्यों उनके दबाव में है। सारे नेताओं से चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी से बूथ कमेटी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे मिलें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनके साथ उनसे उनकी परेशानी को समझ के कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। और जो रोजगार वाली बात है, हर घर में बेरोजगार लड़के लड़कियां पड़े हुए हैं और सरकार में कुछ दिखता नहीं। 70,000 से ज़्यादा नौकरियां अकेले रेलवे की ख़त्म हो गई और 30,000 के आसपास एमएस की नौकरियां ख़त्म हो गई। दो रोज़गार दो के नाम से एक मुहिम चलाएंगे जिसको सुमित भी चलाएंगे हम।